अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं दरगाह आला हज़रत बरेली शरीफ में। आपको मालूम होगा मौलाना तौकीर रज़ा साहब ने ऐलान किया था कि वो 15 मार्च को झुमका चौराहे से तिरंगा यात्रा निकालेंगे दिल्ली तक। 22 तारीख को वो दिल्ली पहुंचेंगे और वहां पर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। VHP पर और बजरंग दल पर पाबंदी लगाने के लिए, इन दोनों संगठन को बंद करवाने के लिए। लेकिन जैसे ही आज 15 मार्च की तारीख आई, मौलाना तौकीर रज़ा साहब को नज़रबंद कर दिया गया है। आप देख रहे हैं दरगाह आला हज़रत के तमाम रास्तों पर पुलिस तैनाब है। जितने रास्ते दरगाह आला हज़रत पर जा रहे हैं, तमाम ही रास्तों पर पुलिस फोर्स को लगा दिया गया है। जगह जगह पुलिस खड़ी हुई है। मौलाना तौकीर रज़ा साहब का घर का रास्ता, ये जो तस्वीर फ़ोटो के अंदर वीडियो के अंदर आप देख रहे हैं, यही रास्ता मौलाना तौकीर रज़ा साहब के घर पर जाता है। वो जो कि आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं कि कितनी पुलिस को जो है तैनाव कर दिया गया है। मालूम नहीं दोस्तों आगे क्या होने वाला है। मौलाना तौकीर रज़ा साहब ये यात्रा निकल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन हम आपको शाम तक तमाम ही अपडेट देते रहेंगे कि मौलाना तौकीर रज़ा साहब यात्रा निकाले हैं या नहीं निकाले हैं। आप देख रहे हैं यही रास्ता है, ये दरगाह आला हज़रत को जा रहा है सीधा रास्ता, और ये मौलाना तौकीर रज़ा साहब के घर को जा रहा है। और देखिए मौलाना तौकीर रज़ा साहब के घर के बाहर ये सब पुलिस तैनाव है, और एक वकील साहब आ रहे हैं मौलाना तौकीर रज़ा साहब के घर से निकलकर। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इंशाल्लाह हम शाम तक आपको तमाम जानकारी और तमाम अपडेट देते रहेंगे।